इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। और जिले खबरों की शुरुआत में जींद से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बीजेपी के जन आशीर्वाद रैली स्टेज पर पहुंचे जोगीराम सिहाग, पूर्व मंत्री अनूप धानक भी मौजूद, रामकुमार गौतम के भी पहुंचने का अनुमान है। आज भाजपा में बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है, बड़ी संख्या में नेता भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं और एक बार फिर से भाजपा का खुनबा बढ़ता हुआ हरियाणा में नजर आएगा। राजकुमार गौतम का भी रैली में पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल सीएम की मौजूदगी में कई नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जोगीराम सिहाग, अनूप धानक रैली में मौजूद हैं, रामकुमार गौतम के पहुंचने का अनुमान है। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया है। सीएम की मौजूदगी में कई नेता आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जन आशीर्वाद रैली के दौरान कई नेता होंगे जो यहां पर भाजपा ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। भाजपा का कुनबा एक बार फिर से हरियाणा में बढ़ता हुआ नजर आएगा। और देखा जाए तो विधानसभा चुनाव कुछ ही वक्त में है और उसी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आएगा, भाजपा की मजबूती बढ़ती हुई नजर आएगी हरियाणा के अंदर। तो जींद से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर भाजपा की जन आक्रोश रैली, जोगीराम सिहाग, अनूप धानक रैली में मंच पर मौजूद हैं और रामकुमार गौतम का भी रैली में पहुँचने का अनुमान है। रामकुमार गौतम भी हो सकता है रैली में पहुँचे। कई विधायक बीजेपी ज्वाइन करेंगे आज। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता साहिल रुखाया लाइव जुड़ गए हैं जींद से, उनका रुख कर लेते हैं। साहिल, आज जन आक्रोश रैली हो रही है, फिलहाल आप क्या माहौल वहां पर बना हुआ है, क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल अंशिका, जिस तरीके से जींद की बांगर की धरती से जन आशीर्वाद रैली की शुरुआत जो है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम बड़े नेता जो है वो मंच पर पहुंच चुके हैं और आज बड़ी ज्वाइनिंग जो है वो बीजेपी के अंदर होने वाली है, चाहे वो जेजेपी छोड़कर भाजपा में आज शामिल जो है वो होने जा रहे हैं। जोगीराम सिहाग की बात की जाए, अनूप धानक की बात की जाए, रामकुमार गौतम की बात की जाए, इन्होंने जो है जननायक जनता पार्टी छोड़ दिया, पार्टी भी छोड़ दी है और विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो आज धर्मेंद्र प्रधान जो विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए हैं, उनकी अध्यक्षता में ये जो तीनों पूर्व विधायक है वो शामिल होंगे और मुख्यमंत्री भी जो है वो जींद पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जन आशीर्वाद जो रैली है उसके अंदर शिरकत करेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं वो भी कुछ ही देर में यहाँ जो है जन आशीर्वाद रैली में पहुँचेंगे और विधानसभा चुनाव का शंखनाद जो है वो बीजेपी यहाँ से करने वाली है। जब जब भी कोई राजनीति पार्टी जो है हर विधानसभा या लोकसभा चुनाव में उतरती है तो जींद की भांगर की दंती से शुरुआत जो है उनकी ओर से की जाती है, चाहे वो जननायक जनता की पार्टी की बात हो। जब 2019 में पार्टी बनी थी तो पार्टी की ओर से यहीं से जो है शुरुआत जो है वो की गई थी। तो अगर 2014 की बात की जाए तो 2014 के अंदर भी चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है भाजपा के अंदर शामिल हुए थे तो देश के गृह मंत्री अमित शाह उनके द्वारा यहाँ रैली की गई थी। तो फिलहाल जो है आप तस्वीरें मंच की देख सकते हैं कि किस तरीके से नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। राज्यसभा सांसद जो किशनलाल पवार है वो भी मंच पर पहुंच चुके हैं, तमाम जो है विधायक है, पूर्व विधायक है, वो भी मंच पर जो है वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जो है वो जींद पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो रैली स्थल है वहाँ भी पहुँचेंगे और उसके बाद जो है तमाम बड़े लीडर जो हैं वो इस रैली स्थल पर पहुंचेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी जो है वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। जी अंशिका, बिल्कुल साहिल, जिन नेताओं ने जेजेपी छोड़ी और अब भाजपा का रुख वो कर रहे हैं, आज भाजपा में वो शामिल होने के लिए यहाँ पर मौजूद है, कई और नेता भी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, आज जब रैली के दौरान ये नेता भाजपा ज्वाइन करेंगे तब जेजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक और वो बड़ा झटका होगा। जेजेपी किस तरह से इन चीजों को देख रही है और दूसरा किस तरह से हलचल अब बढ़ी हुई है, क्योंकि भाजपा का कुनबा एक बार फिर से मजबूत होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, बिल्कुल रामकुमार गौतम जिनका हमने भी जिक्र किया था, जेजेपी हाल ही में उन्होंने छोड़ी है, कल ही पार्टी के अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा था, वो भी मंच पर पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल तीन संख्या जो है वो हो चुकी है, रामकुमार गौतम,
अनूप दानक और जोगीराम सिहाग जो आज बीजेपी में शामिल होंगे। तो फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं कि रामकुमार गौतम भी पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी को बड़ा झटका, जेजेपी को बड़ा झटका जो है वो कहा जा सकता है, क्योंकि एक के बाद एक विधायक जो है वो उनकी पार्टी से छोड़ गए। तो ऐसे में जेजेपी के जो है वो कहीं ना कहीं हाशिए पे फिलहाल आ चुकी है और तमाम विधायक जो है वो लगातार जेजेपी छोड़कर जो है वो तमाम दूसरे दलों में जा रहे हैं। बात की जाए रामकुमार गौतम की, जोगीराम सिहाग की, अनूप दानक की, इसके अलावा रामनिवास सुरजाखेड़ा भी जो है वो फिलहाल जेजेपी छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो मंच पर नहीं पहुंचे क्योंकि उनके आने पर संशय जो है वो लगातार बरकरार है। फिलहाल तीन जो जेजेपी के बड़े लीडर यानी कि जिन्होंने फिलहाल पार्टी से इस्तीफा दे दिया, विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया, आज बीजेपी में जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जन आशीर्वाद रैली जो पंडाल है वो कहीं ना कहीं सज चुका है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है यहाँ पहुँचने वाले हैं। जी अंशिका, बिल्कुल साहिल, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जेजेपी के लिए होगा ही, जब ये तीनों ही जो नेता हैं वो भाजपा आज ज्वाइन करेंगे मंच से, और साथ ही साथ अब और भी नेता होंगे जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। बड़ा झटका एक तरह से यहाँ पर जेजेपी को लगा है और बीजेपी का कुनबा एक बार फिर से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए अगर साहिल, तो विधानसभा चुनाव क्योंकि कुछ ही वक्त में अब होने वाला है, हालांकि तारीखों में बदलाव हो गया है, लेकिन क्या जब ये नेता भाजपा ज्वाइन करेंगे उससे बीजेपी को क्या क्या फायदा पहुंच सकता है, इन चुनावों में कितनी ज्यादा मजबूत होकर उभरेगी इन नेताओं के ज्वाइनिंग के बाद बीजेपी? बिल्कुल, फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से हरियाणा विधानसभा के चुनावों की तारीखों में तब्दीली तो कर दी गई है, लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से कैंडिडेट की जो सूची आनी है वो अभी पेंडिंग पड़ी है। चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे तमाम दूसरे दल हो, उनकी कैंडिडेटों की सूची जो है फिलहाल आना बाकी है। और उससे पहले भाजपा में इतनी बड़ी ज्वाइनिंग जो है वो कहीं ना कहीं बड़े संकेत जो है वो देती है, और कहीं ना कहीं पार्टी ये भी मान रही है कि उनको मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं मिलेगी, जिस तरीके से लगातार जो जेजेपी के विधायक जो हैं वो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया रामकुमार गौतम का, जोगीराम सिहाग का और अनूप धानक का, तो लगातार जिस तरीके से तमाम दूसरे दलों के नेता भी जो छोड़ के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस लिहाज से ये भी मान रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि अभी टिकट अनाउंस नहीं हुई है। तमाम पार्टियां ये देख रही है कि अगर टिकट अनाउंस होती है तो बागी नेता भी जो है उनकी पार्टियों की तरफ आएंगे। तो फिलहाल अभी टिकटें अनाउंस होने के जिस तरह से अब ये नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और चूंकि अभी तक भाजपा की सूची जारी नहीं हुई है उम्मीदवारों की, मंथन लगातार चल रहा है, अभी हाल ही में मीटिंग भी होने वाली है, तो क्या अब इनकी ज्वाइनिंग के बाद टिकट भी पक्की मानी जा सकती है इन विधायक इन नेताओं की? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो मीटिंग है दिल्ली के अंदर चल रही है, तमाम जो लीडर हैं वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात की जाए, मोहनलाल बड़ोली से लगातार मुलाकातें जो हैं वो अपने दिल्ली के अंदर चल रही है। तो ऐसे में रामकुमार गौतम की ओर से तीन चार दिन पहले ही पूर्व जो मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर थे उनसे मुलाकात की थी, जोगीराम सिहाग की ओर से भी मुलाकात जो है वो बीजेपी के बड़े नेताओं से की गई थी, उसके बाद ही ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि इन नेताओं ने पहले ही जो केंद्र के बड़े लीडर हैं उनसे अपनी टिकट पक्की कर ली है और उसके बाद ही ज्वाइनिंग का कार्यक्रम जो है वो बना है। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकटों पर है कि आखिर पार्टी हाईकमान सूची जो है वो कब जारी करता है, क्या इस सूची में जो जेजेपी के विधायक जो छोड़कर आए हैं पार्टी और बीजेपी में आज शामिल हो रहे हैं उनका नाम है या नहीं, तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। लेकिन ये तय माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुलाकातें मीटिंगें जो हैं वो इन विधायकों की हो रही थी, तो इससे कहीं ना कहीं ये भी कंफर्मेशन होता है कि जो इन्होंने अपने अपने इलाकों से जो है वो उम्मीदवारी भी ठोक दी है और जिस तरीके से इनको आश्वस्त भी किया गया कि वो बीजेपी की ओर से इन्हें जो है तमाम जो जिन जिन इलाकों से दावेदारी जता रहे हैं वहाँ वहाँ से टिकट जो है वो दी जाएगी। लेकिन फिलहाल सूची का इंतजार करना होगा कि बीजेपी जब सूची जारी करेगी क्या उन सूची में इन जो ये लीडर हैं जेजेपी के जो पार्टी छोड़कर आए हैं इनका नाम है या नहीं।
बिल्कुल साहिल, लेकिन क्या बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी में भी बदलाव करेगी? क्योंकि देखिए अभी एक बड़ी बैठक भी बीजेपी की होने वाली है, उसमें जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये अभी कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जो नेता आ रहे हैं बीजेपी में उनको टिकट मिल सकता है, सूची में उनका नाम हो सकता है, लेकिन क्या इसके बाद बीजेपी की स्ट्रैटेजी में बदलाव भी देखा जा सकता है? बिल्कुल, केंद्रीय हाईकमान जो है वो लगातार मंथन कर रहा है। इससे पहले कई बैठकें जो है वो दिल्ली के अंदर हो चुकी है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी जो है तमाम लीडरों की जो है वो मुलाकातें और मीटिंगें जो है वो लगातार हो चुकी है। आज भी एक बीजेपी की बड़ी बैठक जो है वो होनी है, तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि एक या दो दिन के अंदर बीजेपी की जो सूची है वो फाइनल सूची जो है वो तैयार हो जाएगी और जल्द ही बीजेपी जो है अपनी सूची जो है वो जारी कर देगी, जिसमें सिंगल नाम जो है वो बताया जा रहा था कि उन लोगों की सूची जो है, उन उम्मीदवारों की सूची जो है वो जल्द जारी कर दी जाएगी, जिस पर जो है वो कोई घमासान या फिर किसी प्रकार की कोई जो जिस तरीके से गुटबाजी या और भी जो दूसरे नेता नाराज ना हो, इसको लेकर बीजेपी की ओर से एक सूची जो है आज या कल के अंदर जारी कर दी जाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जो बीजेपी सूची जारी करेगी उसके अंदर किन किन नामों पर जो है मोहर लगाने का काम जो है वो केंद्रीय हाईकमान द्वारा किया जाएगा। लेकिन सबको इंतजार बीजेपी और कांग्रेस की सूची का है। तमाम राजनीतिक दल जो है एक दूसरे पर टकटकी लगाए हुए हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो पहले सूची जो है वो जारी करती है। जाहिर तौर पर अगर एक पार्टी की सूची जो बाहर आती है तो बागी नेता जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी का रूप करेंगे, तो ऐसे में पार्टियों में बगावत जो है वो देखने को मिल सकती है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो, और भी तमाम पार्टियां जो है वो उसमें भी कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल सूची का इंतजार करना होगा कि सूची कब तक जारी जो है वो बीजेपी की हो सकती है। आज बैठक जो है वो दिल्ली के अंदर हो रही है, तो तमाम मंथन जो है वो लगातार चर्चा जो है वो की जा रही है, तो अब देखने वाली बात होगी कि सूची कब जारी होगी। लेकिन फिलहाल हम जींद की बांगर की धरती पर खड़े हैं, जहाँ से बीजेपी जो है आज एक बड़ी रैली जो है वो करने जा रही है। साहिल, देखिए नजरें सबकी टिकी हुई हैं भाजपा और कांग्रेस की जो लिस्ट जारी होने वाली उम्मीदवारों की उस पर, और उसी के बाद पूरी स्थिति साफ हो पाएगी कि किसको, किस नेता को कहां से उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन अगर रामकुमार गौतम को नारनौल से टिकट दिया जाता है तो उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसके क्या चांसेस है? बिल्कुल, अभी इस पर कहना अभी जल्दबाजी होगा, अभी विचार विमर्श जो है वो किया जाएगा, क्योंकि रामकुमार गौतम की मीटिंग जो है वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर हो चुकी है, वो फाइनल कर चुके हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं है, क्योंकि आज ही सुबह ही हमारी उनसे बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि मैंने जेजेपी छोड़ दी है और आज मैं बीजेपी के अंदर शामिल होऊंगा। तो ऐसे में उन्होंने केंद्र के जो बड़े नेता हैं, स्टेट के बड़े नेता हैं, उनसे बातचीत करके ही बीजेपी में आने का मन बनाया। और टिकट की बात की जाए तो टिकट को लेकर भी लगातार रामकुमार गौतम की ओर से जो मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री है उनसे भी मुलाकात जो है वो कई बार की जा चुकी है, तो लगातार जिस तरीके से रामकुमार गौतम जो है वो पार्टी लाइन से हटकर जो है वो चल रहे थे और लगातार जेजेपी के खिलाफ जो है उनके सुर देखने को मिल रहे थे, और वो पार्टी की मीटिंगों में भी शामिल नहीं होते थे, ज़्यादातर देखा जाता था कि उनका झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ ही रहा है। तो ऐसे में आज फाइनली वो जो हैं बीजेपी के अंदर शामिल हो रहे हैं, और इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से कल जो है पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया गया था कि रामकुमार गौतम की ओर से पार्टी जेजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है और आज जो है वो बीजेपी के अंदर शामिल होंगे, और आज कई बड़े नेता जो है वो इस रैली के अंदर पहुंचने वाले हैं, और जो रामकुमार गौतम है या दूसरे जो जोगीराम सिहाग है, अनूप धानक है, उनकी ज्वाइनिंग जो है वो आज होने वाली है। तो ऐसे में अभी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है मंच पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अभी उन्होंने पुलिस लाइन जो है वो पहुंच चुके हैं और भी तमाम बड़े लीडर जो है फिलहाल पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल साहिल, इंतजार है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्दी इस रैली के मंच पर पहुंचे, और साथ ही जब वो पहुंचेंगे तो उसके बाद जो नेताओं ने जेजेपी छोड़ी है वो भाजपा में शामिल